बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी का जान। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म को सिनेमा घर से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया गया है और फिल्म ने कमाई भी बहुत ही शानदार तरीके से की। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दें, इस फिल्म में बड़े बड़े सेलिब्रिटी और कुछ साउथ सुपरस्टार भी हमें फिल्म में देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप सभी लोग जानते हैं कि किसी का भाई किसी का जान फिल्म जो कि सलमान से पहले अक्षय कुमार को ऑफर हुई थी। जी हाँ, आप लोगों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जो कि पहले अक्षय कुमार नहीं, सलमान नहीं बल्कि अक्षय कुमार को यह फिल्म ऑफर की गई थी। फिल्म के मेकर्स ने जब से फिल्म की आधिकारिक घोषणा की है, तब से फिल्म की लीड एक्टर के तौर पर सलमान खान का ही नाम सामने आया है, जिसकी वजह से उनके फैंस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन शायद ही कोई ये जानता होगा कि फिल्म के लीड एक्टर और स्पेक्ट्रेट में बड़ा बदलाव किया गया था। दरअसल जो कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान फिल्म के डायरेक्टर फराज समाजी को साल 2014 में आई तमिल फिल्म विराम का हिंदी रीमेक बनने वाला है आइडिया 2014 में आई तमिल फिल्म विराम का हिंदी रीमेक बनने का आइडिया आया था, जिसके बाद उन्होंने इस फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। आप लोगों को बता दें उस समय इस फराज समाजी इस फिल्म को खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार को साथ बनाना चाहते थे। इसके बाद फिल्म की क्रिस्टिट को लेकर कई सारे बदलाव हुए, जिसके बाद ना तो फिल्म पहले जैसी रही ना ही फिल्म का लीड एक्टर। फराज समाजी ने इस दौरान अक्षय के साथ बच्चन पांडे साइन कर ली, जिसके बाद जो कि फिल्म सलमान के हिस्से में जा गिरी। फिल्म के लीड हीरो के कस्टेट में काफी बदलाव किया गया, जिसके बाद मेकर्स ने इस फिल्म का आइडिया छोड़कर दूसरी रीमेक पर काम करना शुरू कर दिया, जिससे यह फिल्म का नाम बच्चन पांडे बता दिया गया। पहले दिनों में ही फिल्म जो कि सादिन नडियाडवाला ग्रेडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म बनने वाली थी, लेकिन किसी का भाई किसी का जान फिल्म में लगातार हो रहे बदलाव के चलते साजिद नडियाडवाला फिल्म से बाहर हो गए और फिल्म के राइट भाईजान को दे दिए गए। फिल्म के मेकर्स ने 10 जनवरी 2020 में आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की थी। उस समय फिल्म का नाम कभी ईद कभी दिवाली रखा गया था, लेकिन कोरोना के चलते फिल्म के प्रोडक्शन में काफ़ी दिक्कतें आईं, जिसके कारण फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। इसके बाद फिल्म की शूटिंग एक बार फिर से शुरू हुई। फिल्म के कई सीन लद्दाख में शूट करने के लिए गए और फिल्म की शूटिंग इस साल 2023 में पूरी हो गई थी। आप लोगों को बता दें, फिर से जो कि नाम चेंज करके किसी का भाई किसी का जान रख दिया गया था। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को बता दें, ऐसे ही है जो कि अक्षय कुमार और सलमान खान की इस फिल्म की कहानी।